साई समाज के थे और समाज साई का था। साई ने समाज की सेवा के कुछ रास्ते बताए थे और मुझे प्रसन्नता है कि साई बाबा के दिखाए रास्ता पर श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट निरंतर समाज की सेवा कर रहा है। शिक्षा के माध्यम से समाज को सशक्त करना हो, आध्यात्म के जरिए सोच में परिवर्तन करना हो, समाज में समरसता और सहभाव का संचार करना हो, इसके लिए आपका प्रयास बहुत ही वंदनीय है। आज भी इस धरती पर आस्था, आध्यात्म और विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई है और मैं महाराष्ट्र सरकार को बधाई देता हूं कि गरीबों के कल्याण की इतनी बड़ी योजना के लिए इससे बढ़कर के कोई जगह नहीं हो सकती। साई के चरणों में बैठ करके गरीबों के लिए काम करना, इससे बड़ी धन्यता क्या हो सकती है, और इसलिए महाराष्ट्र सरकार बधाई के पात्र है। दर्शनार्थियों के लिए बनने वाले नए परिसर के भूमि पूजन के मौके पर मौजूद होने पर मुझे प्रसन्नता हो रही है। आज ही के दिन साई बाबा इंग्लिश मीडियम स्कूल, कन्या विद्यालय और कॉलेज की नींव रखी जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि साई के जीवन और दर्शन को लेकर शुरू होने वाले साई नॉलेज पार्क से लोगों को साई की सीख समझने में और आसानी होगी। साथियों, आज यहां 10 मेगावाट की एक सोलर यूनिट का भी काम शुरू हुआ है। इससे संस्थान के संसाधन बढ़ेंगे और क्लीन एनर्जी में संस्थान की बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। एक प्रकार से साई ट्रस्ट की तरफ से करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए इस दशहरा का, विजयादशमी का एक बहुत बड़ा तोहफा है। साथियों, नवरात्र से लेकर दीपावली तक साल का ये वो समय होता है जब देशवासी घर, गाड़ी, गहने जैसे अनेक सामान की खरीद करते हैं, जिसका जितना सामर्थ्य होता है वो उसका हिसाब से पैसे बचाता है और अपने परिवार को उपहार देता है। मुझे खुशी है कि दशहरे के इस पावन अवसर पर मुझे महाराष्ट्र के 2.5 लाख भाइयों बहनों को अपना घर सौंपने का अवसर मिला है। मेरे वो भाई बहन जिनके लिए खुद का घर हमेशा ही सपना रहा है, अपने इस विशाल परिवार के सदस्यों को एक साथ गृह प्रवास कराने से इससे बड़ी अपने गरीब भाई बहनों की सेवा, मैं समझता हूं दशहरे की पूजा भला मेरे लिए इस सेवा से बड़ी क्या हो सकती है। आप सभी जनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने इस नए घरों की, आपके जीवन में आए इस शुभ अवसर की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये नए घर आपके अपने सपनों के प्रतीक तो है ही, आपकी आकांक्षाओं को नया आयाम देने वाले भी है। अब आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन सार्थक बदलाव के बदपथ पर आगे बढ़ चुका है। ये गरीबी पर जीत की तरफ का एक बहुत बड़ा पहला अहम कदम है। साथियों, अपना घर जीवन को आसान बना देता है और गरीबी से लड़ने का नया उत्साह पैदा करता है, एक सम्मान का भाव पैदा होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा है कि 2000 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे,
देश के हर बेघर गरीब परिवार को उसका खुद का घर देने का लक्ष्य रख करके हम काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि करीब करीब आधा रास्ता हम इतने कम समय में पार कर चुके हैं। भाइयों और बहनों, गरीब हो या मध्यम वर्ग का परिवार, बीते चार वर्षों में उसे झुग्गी से किराए के मकान से निकाल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण शिरडी रे साई बाबा समाधि शहे वर्ष पूर्ति अवसर रे प्रधानमंत्री मोदी जोग देते साई बाबा दर्शन करने सहित अभिभाषण देखते जो भाव में वर्तमान उन्नति दिगरे चली राष्ट्र यह स्वागत करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।